तीन या चार दिन हुए आदि पुरुष की तरफ से एक मोशन पोस्टर आया हुआ था और ये मोशन पोस्टर देखने में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड तुम इजीली इसे आदि पुरुष की VFX टीम की तरफ से, मार्केटिंग टीम की तरफ से वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स में से एक कह सकते हो, इवेंचुअली वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क कह सकते हो, क्योंकि जितने भी पोस्टर्स, टीजर की तो बात मैं ना ही करूँ तो बेहतर है, जितने भी पोस्टर्स आए हैं उनमें से सबसे बेहतर दिखने में लगता है ये आदि पुरुष का मोशन पोस्टर। सबसे बड़ी हाईलाइट है इस पूरे पोस्टर की, वो है प्रभास यानी कि श्री राम जी का पोज, जो कि काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। एंड उसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ी जो एक और प्लस पॉइंट है वो है इस पूरे मोशन पोस्टर का बैकग्राउंड म्यूजिक। तुम कह सकते हो जितने अच्छे तरीके से इसके लिरिक्स लिखे गए हैं उतने ही अच्छे तरीके से इसके म्यूजिक को भी बनाया गया है। एंड इस म्यूजिक को यानी कि जय श्री राम जय श्री राम, इस वाले म्यूजिक को हमने टीजर के एंड में भी सुना था। एंड इसका फुल वर्जन एक दो हफ्ते पहले आया था जब रामनवमी के टाइम पे पोस्टर लॉन्च हुआ था एक, लेकिन अब इसको ऑफिशियली लिरिक्स के साथ एक मोशन पोस्टर में निकाल दिया गया है एंड सुनने में काफी ज्यादा सही लगता है। एंड उसके अलावा जिस तरह से मोशन पोस्टर के अंदर श्रीराम यानी कि प्रभास का लुक रिवील होता है वो देखने में बहुत सही लगता है, मतलब पहले पूरा कैरेक्टर ब्लैक रहता है एंड उसके बाद जब उनके धनुष में एक पावर एनर्जी जनरेट होती है फिर वो एनर्जी उस बाण से फ्लो होते हुए पूरे बॉडी में आती है, देखने में बहुत सही लगता है। टीजर के अंदर हमने उन्हें लेदर पहने हुए देखा लेकिन इस लुक में भाई वो बहुत सिंपल दिख रहे हैं और वही ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने हुए दिख रहे हैं जो कि सही लगता है। आई मीन ट्रेडिशनली हम लोगों ने अभी तक श्री राम को ऐसे ही देखा है, इवन अपन जो घर में फोटो लगा के रखते हैं राम उसमें भी राम जी का लुक कुछ ऐसा ही रहता है। उसके अलावा इस पोज में मुझे एक और सबसे खतरनाक चीज और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज लगी वो है श्री राम जी का धनुष। अब रामायण में सिर्फ कैरेक्टर्स को नहीं वेपन्स को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि हनुमान जी का गदा जिसको पावर से सिग्निफाई किया जाता है, मतलब वो वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड हनुमान जी जब उसे यूज करते हैं तो भाई हर एक ऑडियंस जो भी उसे देख रही होती है उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई कुछ तो पावर है इस गदे में। वैसे ही श्रीराम का धनुष वो इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है कि भाई उसके एक बाण से पूरा का पूरा समुद्र सूख सकता था, एक बाण से पूरा का पूरा पहाड़ टूट जाता था, तो उसको आपको पावरफुल दिखाना ही होगा। लेकिन अभी तक जितने भी प्रमोशनल मटेरियल्स आए थे, टीजर पोस्टर वगैरह जितने भी आए थे, उनमें राम जी का धनुष बाण उतने अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा था, लेकिन इस मोशन पोस्टर के अंदर राम जी के धनुष को काफी अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाया गया जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इतने सारे अगर इम्प्रूवमेंट्स अपने को दिख रहे हैं इस मोशन पोस्टर के अंदर तो क्या इसका मतलब आदि पुरुष अब बच जाएगी? क्या पूरी पिक्चर में अपने को इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और क्या ये पिक्चर फाइनली जिस तरह से इसको बनना चाहिए था उस तरह से बनेगी? नहीं, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखो, क्योंकि एक मोशन पोस्टर बनाना बहुत ईजी हो जाता है जब आप उसे कंपेयर करो एक टीजर या ट्रेलर बनाने में, और यहाँ तो आपको पूरी की पूरी मूवी रीएडिट करनी थी। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने सिर्फ प्रमोशन मटेरियल्स पे ही ध्यान दिया है और प्रमोशन करने के लिए जितनी भी चीजें हैं उनको इम्प्रूव किया है, मूवी में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ होगा कलर करेक्शन के अलावा, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए टाइम। अगर जिस तरह का अपने को टीजर दिखा उस लेवल का आउटपुट नहीं चाहिए, उससे बेहतर चाहिए तो 1.5-2 साल तो आराम से लगते हैं। एंड सिंस इसे सिर्फ 6 या 5 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया था तो मुझे नहीं लगता कि मूवी के अंदर कुछ खास मेजर चेंजेस होंगे, बस वो लोग सिर्फ एक टेक्निक अपना रहे कि प्रमोशनल मटेरियल से अपना बेस्ट दिखा दो ताकि ऑडियंस आए उनको थोड़ा बहुत पैसा जितना हो सकता है वो रिटर्न मिले। एंड यहाँ पे कोई और बंदा भी होता ना तो वो भी यही अप्रोच रखता कि भाई मिनिमम लॉस हो अपने को और अपना बजट जितना हो उसके उतना रिकवर हो जाए। और हाँ एक और बात, अगर तुम्हें लगता है कि शायद मूवी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुए हो तो मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे तोड़ना चाहूंगा, ये बता के कि अगर उनके पास सच में कुछ ऐसा होता कि उन लोगों ने इम्प्रूव किया है और अच्छा खासा इम्प्रूव किया है, अभी तक एक टीजर आ जाना चाहिए था अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था सही तरीके से। अगर आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करते हो आप उसको दुनिया को दिखाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो, वो लोग सिर्फ पोस्टर और मोशन पोस्टर निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके टीजर में उनकी मूवी के अंदर कोई भी खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है एंड इनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि ये भाई जितना लेट हो सके उतना लेट ट्रेलर निकाले 10 या 15 दिन पहले ताकि ज्यादा लोग इस पे बात ना कर पाए एंड ये जितना बजट रिकवर कर पाए उतना सही है। बाकी 600 करोड़ जितना इस मूवी पे लगा है उतना तो इस जन्म में बिल्कुल नहीं होने वाला। बाकी प्रभास का फैंडम तो देखो प्रभास के लिए पागल है तो हो भी सकता है कि 200-300 करोड़ पिक्चरें कमा ले, कुछ कह नहीं सकते।